वाले दिन मनाया जाएगा भारी जश्न। फाइनल मैच से पहले दिखाया जाएगा हवाई करतब। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम हवा में कमाल दिखाएगी। वायुसेना के विमान आसमान में मचाएंगे खलबली। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। तो अगर आप अभी से ही 19 नवंबर को होने वाले फाइनल मैच के लिए एक्साइटेड हैं, तो चलिए आपके एक्साइटमेंट में और ज्यादा चार चांद लगा देते हैं, मैच के लिए आपके जोश को कई गुना और बढ़ा देते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम कहेंगे आसमानी करतब से। जी, अगर हम आपसे कहेंगे कि 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप 2023 का फाइनल मैच तो खेला ही जाएगा, जिसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीमें तैयारियां भी कर रही, लेकिन सरकार ने भी इस खास मैच को और खास बनाने का इंतजाम कर लिया। पहला, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को इस मैच का स्टेडियम में बैठकर लुत्फ उठाने का न्योता दे दिया। वहीं मैच से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर एयर शो का भी इंतजाम कर दिया गया। अहमदाबाद में गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर एयरफोर्स के कई विमान उड़ते देखे गए। ये विमान एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम के थे, जो कई मिनटों तक हवा में अलग अलग तरह के फॉर्मेशन बनाते नजर आए। इसके कुछ ही मिनटों बाद ये साफ हो गया कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले स्टेडियम के ठीक ऊपर एयरफोर्स के विमान हवा में करतब दिखाने वाले। इस एयर शो का पूरा दारोमदार वायुसेना की सूर्य किरण टीम पर। सूर्य किरण भारतीय सेना की वो टीम है जो एरोबेटिक्स शो के लिए ही बनाई गई। ये सूर्य किरण टीम अपने 9 विमानों के साथ देश भर में कई एयर शोज कर चुके हैं। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले भी इस टीम के 4 जेट विमानों के आसमान में करतब दिखाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूर्य किरण टीम के साथ BAE हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट का भी इस एयर शो में साथ देने का अनुमान है। इस बारे में सूर्य किरण टीम ने ट्वीट किया, ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। सूर्य किरण टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक वीडियो अपने एरोबेटिक जेट से बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। देखा आपने जादू, 19 नवंबर को किस तरह का धमाल होने वाला है। ये मौका हर हाल में बेहद खास होने वाला। वैसे आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना। दोपहर 1:30 पर टॉस किया जाएगा और फिर दोपहर 2 बजे पहली गेंद फेंकी जानी। वर्ल्ड कप 2023 के इस फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होने वाली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस फाइनल मैच के साक्षी बनने के लिए नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। साथ ही होंगे उनके जिगरी दोस्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, गृह मंत्री अमित शाह होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस स्टेडियम में इस फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए करीब 1.25 लाख लोग मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आसमान में एयरफोर्स के विमान कलाबाजियां दिखाएंगे। और तो और, मुकाबले से पहले ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाला। वैसे आपका इस मैच और उससे पहले होने वाले एयर शो के बारे में क्या कहना है? ये जो 19 नवंबर के दिन अहमदाबाद में खास तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।